हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। तो गाइज, मैं मनीष और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। गाइज, अभी प्रीव्यू में आपने वीडियो देखा, तो इस तरह का 3D स्टेटस वीडियो आप भी बनाना चाहते हो, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, काफ़ी नज़दीक शिवरात्रि है, तो उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू मैं स्टेटस लेकर आ रहा हूँ। सिर्फ महाशिवरात्रि के अकॉर्डिंग ही स्टेटस बना रहा हूँ। तो गाइज, आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आइए हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको एक जी फाइल डाउनलोड करना है, जो मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट से कोई भी मटेरियल सेम प्रोसेस में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रीव्यू, मतलब एग्जांपल के लिए मैंने वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। सेम प्रोसेस हर बार मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगा, तो एक ही बार वीडियो देखना है, नेक्स्ट टाइम से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको नोट वीडियो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर नहीं है आपके पास तो है, तो इसे सिंपली ओपन कर लीजिएगा। यह एप्लीकेशन का नाम जो है नोट वीडियो है, फ्री है, आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद मैंने जो प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड किया है वो 48 के नाम से होगा, या किसी भी नाम से हो, कोई परेशानी नहीं है। आप वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं तो आपको डाउनलोड में मिल जाएगा। देन उसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के मतलब यहाँ पर इम्पोर्ट करना है। सबसे पहले तो डाउनलोड करने के बाद इम्पोर्ट करना होगा, तो आपको इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लोड प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। गाइज, यहाँ पे आपको जो डाउनलोड करके लाए हैं तो रिसेंट में ही मिल जाएगा, अदरवाइज 3 लाइन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, आप जो भी मटेरियल आप डाउनलोड करते हैं यहाँ पे मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये वाला जीप फाइल है 13 नंबर का, तो इसे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका भी ऐड हो जाएगा, तो मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसका एडिटिंग ऑलरेडी पहले ही दे दिया था। तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है, इसे ओपन कर लेते हैं, जो अभी आप डाउनलोड किए होंगे और ऐड करेंगे। अब गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटर जो पूरी तरह से एडिट किया हुआ है, इसमें सॉन्ग भी ऐड किया हुआ है। बट आप यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, जैसे आप सॉन्ग चेंज करना चाहें सॉन्ग चेंज करेंगे, ऊपर में आप अपना लोगो लगाना चाहें लोगो लगा सकते हैं। तो उसके लिए ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे मेरे फ़ोन में मेरा लोगो नहीं था, इसलिए मैंने इस लोगो की जगह पर जय श्री महाकाल का लोगो लगा दिया है। आप यहाँ पे अपना भी लोगो लगा सकते हैं। देन इसके बाद आपको गाइज क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं महादेव लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा। 3 लाइन पर क्लिक करके रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक, टैप टू डिपिक पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप जो इमेज ऐड करना चाहते हो उस इमेज को सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे महादेव का मैं कोई सा भी इमेज एक ठो सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाली इमेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली। ऐड करने के बाद यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। आपका जो अब इस इमेज को आपको एडजस्ट कर लेना होगा, लेफ्ट राइट करना हो लेफ्ट राइट करके एडजस्ट कर लीजिएगा। देन इसके जस्ट नीचे जो वीडियो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड है, इसे भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इसे लेफ्ट राइट आप जहाँ पे भी करना चाहे कर सकते हैं। तो दोनों ठीक है, दोनों वीडियो जो है अलग अलग जगह पे है, तो आप इसे एक साथ में कर सकते हैं, मतलब त्रिशूल वाला जो वीडियो है ये तो देख सकते, इसका काम हो चुका है। अब गाइस, यहाँ पे एक सॉन्ग आप ऐड करेंगे, तो पहले से जो सॉन्ग ऐड किया हुआ है आप इसे भी रख सकते हैं, अदरवाइज 3 लाइन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर दीजिएगा। दूसरा कोई भी सॉन्ग ऐड करने के लिए प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, देन मीडिया पर क्लिक करना है, सॉरी मीडिया पर नहीं करना है, यहाँ पर आपको कहना है, यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करना है, यहाँ पर लोड फ्रॉम फाइल पर क्लिक कर लेना है। सो गाइस, लोड फ्रॉम फाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो भी सॉन्ग ऐड करना चाहते हो सॉन्ग को सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस एरो पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे गाइस, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉन्ग जो हमारा है वो सॉन्ग का, तो यहाँ पे आपको सॉन्ग के अकॉर्डिंग ऑडियो को सिलेक्ट करना है, मतलब प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर ट्रिमर पे क्लिक कर देना है। नीचे में एक ऑडियो का फाइल मिलेगा, इसे सिलेक्ट करके 3 लाइन पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देना है। हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। प्रीव्यू भी यहाँ पे इस तरह से बट यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं दिखता है, इसलिए आपको गाइस क्या कर लेना होगा, आपको इस वीडियो को सेव करने के बाद वीडियो का प्रीव्यू आप देख पाएंगे। सेव करने के लिए नीचे एरो पे क्लिक कीजिएगा,
ग्रीन वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो इस वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। इस तरह का कंटिन्यू एडिटिंग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।